हेलो गाइस, मेरा नाम रजीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के विभाजन के तौर पर दो जो मुख्य ग्रुप जो सामने आए थे, उदारवादी और उग्रवादी। अर्थात उदारवादी और उग्रवादी, इन दोनों ही जो ये जो ग्रुप बटे थे, जो दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है, किस प्रकार से मतभेद है, उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तरफ हम लोग बात करेंगे स्वशासन और एक तरफ स्वराज की, दूसरी ओर बात करेंगे प्रार्थना पत्र और विरोध और दूसरी ओर बात करेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सीमित प्रभाव और व्यापक प्रभाव। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से इनके अंतर्गत मतभेद रहा। तो हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो स्वशासन एक तरफ जो उदारवादी थे, और जैसा नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि उदारवादी अर्थात जो उदार किस्म के थे और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जो भरोसा हुआ करता था वो ब्रिटिश सरकार में हुआ करता था, और उनके द्वारा स्थापित जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं थी, चाहे वो विधायिका थी, उनके अंतर्गत उनका उसमें विश्वास था। और उनका यह विश्वास था कि एक समय के दौरान, एक लंबे समय अंतराल के दौरान अपने द्वारा उठाई जा रही मांग जो कि उनके द्वारा उठाया जा रहा था कि हमें भी लोकतंत्र दिया जाए, और इन सभी चीज़ों में उनका प्रमुख रूप से विश्वास था। ब्रिटिश सरकार जो थी, जो भारत में शासन कर रही थी, औपनिवेशिक नीतियां जो भारत में अपना रही थी, उन सभी चीज़ों में उनका विश्वास था। और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश संसद हुआ करता था उसमें भी उनका विश्वास था, और वहाँ पर जिस प्रकार से विभिन्न लोगों को स्वतंत्रताएँ थी, अपनी बातों को वो रख सकते थे, और प्रेस को जिस प्रकार से स्वतंत्रताएँ थी, तो उस तौर पे ये ब्रिटिशर्स को काफ़ी न्यायप्रिय और अपने हित के लिए काफ़ी अच्छा मानते थे। और उनका विश्वास था कि जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे लिए एक वरदान के स्वरूप है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो ये मांग उठाई जा रही थी और जो भी इनके द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते थे वो इस संवैधानिक दायरे में किए जाते थे, लेकिन वास्तव में यदि हम लोग देखें तो ऐसा नहीं था। इन्हीं उदारवादियों में से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दादा भाई नौरोजी जैसे जो व्यक्ति थे, जो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, आर्थिक इतिहासकार थे, उन्होंने अंग्रेजों का जो वास्तविक चेहरा था उन्होंने सामने लाने का काम किया। उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश का जो एक रूल होता है, ब्रिटिश का जिस प्रकार से उनके ब्रिटेन में एक शासन था, ब्रिटिश नियम कानून थे, उस प्रकार से शासन नहीं किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यह भी बताया कि किस प्रकार से भारतीयों का और भारत से किस प्रकार से बड़े पैमाने पर धन का निष्कासन हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिटेल में बात किया हुआ है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक में इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि उदारवादियों में भी कुछ इसी प्रकार के इतिहासकार थे, आर्थिक इतिहासकार थे, जिन्होंने ब्रिटिशर का वास्तविक चेहरा लाने का कार्य किया, और जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, अकाल, भूखमरी जो जैसी जो परिस्थितियां थी उसके पक्ष में भी और उसकी वास्तविकता को भारत और भारतीयों के सामने लाने का कार्य इन उदारवादियों में से कुछ नेताओं ने, कुछ इतिहासकारों ने भी किया। और वहीं यदि हम लोग बात करें तो स्वशासन जो था इनका यह मूल यही था कि हम ब्रिटिशर्स से खुश हैं और ब्रिटिशर जो भी हमारे लिए कार्य करते हैं वो हमारे भले के लिए कार्य करते हैं, और इसी के अंतर्गत इनका यह निर्णय था कि हम ब्रिटिशर्स से केवल स्वशासन चाहते हैं। अर्थात मेन तो जो रहे वो ब्रिटिशर्स रहे और उनके अंतर्गत हम लोग क्या करें, शासन करें, अपने शासन प्रशासन को चलाएं। लेकिन चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा स्वराज। और यदि हम लोग स्वराज की बात करें तो स्वशासन जो उदारवादियों की मांग थी उससे जस्ट यह विपरीत था। वह विपरीत इसलिए था क्योंकि स्वशासन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत ये जो भी उदारवादी थे वो उनके अंतर्गत उनके नियंत्रण में शासन प्रशासन चलाना और उसको संभालने के लिए तैयार थे। अर्थात ब्रिटिशर्स में उनका विश्वास था कि अर्थात जो भी ब्रिटिशर्स हमारे लिए करेंगे वो हमारे हित में होगा और हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन स्वराज के अंतर्गत ये कहा गया कि हम ब्रिटिशर्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल शासन प्रशासन नहीं करना चाहते, बल्कि हमें अपना अधिकार चाहिए और हमें स्वराज चाहिए। अर्थात हम स्वयं राज करना चाहते हैं, हम स्वयं शासन प्रशासन अपने भारत का चलाना चाहते हैं। और इसी को लेते हुए और इसी को देखते हुए हम लोग पाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादियों में से एक प्रमुख
नेता थे जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर इन्होंने कहा और अपने नारे के माध्यम से भारतीयों के अंदर एक चेतना राष्ट्रीय भावना उजागर करने का कार्य किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से स्वराज जैसी जो चीजें थी इसका जो प्रयोग किया गया और स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या तरीका अपनाया गया, इनके द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाया गया। इसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए अब हम लोग इसके दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं और इसके दूसरे पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसके निष्क्रिय प्रतिरोध को समझेंगे। यदि हम लोग बात करें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अंतर का पॉइंट है, वो है इसको ट्रिपल पी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि हम लोग यदि बात करें तो प्रार्थना पत्र और विरोध। और यदि हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये कहा भी गया कि उदारवादी जो ये नेता है जो थे उनकी जो एक प्रवृत्ति रही और राजनीतिक रूप से जो प्रवृत्ति रही कि जो भी ये मांग उठाया करते थे अपने लिए, जो मांग उठाया करते थे खासतौर से चाहे वो सिविल सेवा में अधिक से अधिक भारतीयों को भारतीयकरण करना हो, विधायिका में अत्यधिक सीट बढ़ाना हो और उसमें उदारवादी नेताओं को शामिल करना हो, तो इनका जो ये तरीका रहा करता था कि हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं अधिकार दिए जाए, इसमें यह प्रमुख था कि सर्वप्रथम तो यह पहले प्रार्थना किया करते थे अर्थात अनुनय विनय किया करते थे कि जी हमें इसमें पार्टिसिपेशन दे दीजिए, इस प्रकार के हमें अधिकार दे दीजिए। अगर इससे भी बात नहीं बनता था तो ये अपने द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्र लिखा करते थे, प्रस्ताव दिया करते थे कि हमारी बातों को माना जाए, और अंत में अगर इन सब चीज़ों से बात नहीं बनता था तो हम लोग देखते हैं कि विरोध भी किया जाता था। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बंगाल विभाजन के विपरीत इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी विरोध करने का प्रमुख कार्य किया। कहीं ना कहीं हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो इनका जो तरीका रहा था वो उदार किस्म का था, प्रार्थना पत्र विरोध और काफ़ी हिंसक और रक्तहीन प्रवृत्ति का नहीं था। लेकिन वहीं हम लोग दूसरी ओर बात करें तो निष्क्रिय प्रतिरोध जो कि स्वराज की प्राप्ति के लिए बेसिकली हम लोग देखें तो इस आधुनिक युग में नई सदी के साथ नई प्रकार के राजनीतिक साधन हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर से उदारवादियों के साथ साथ उदारवादियों ने तो उतना नहीं लेकिन उग्रवादियों ने प्रमुख रूप से इस पद्धति को अपनाया और निष्क्रिय प्रतिरोध, और जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन और जितने भी अन्यायपूर्ण कानून थे उन सब के खिलाफ इनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध का यहाँ पर मतलब है कि उतनी व्यापक स्तर पर यहाँ पर हिंसा और विरोध देखने को यहाँ पर हम लोग को नहीं मिलेगा, और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से अत्यधिक इसके द्वारा प्रयोग किया गया। और हम लोगों ने देखा था कि बंगाल जो विभाजन हुआ था, और हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन के माध्यम से ब्रिटिशर्स का यह प्रयास रहा था कि हिंदू मुस्लिम को विभाजित किया जाए, फूट डालकर इनके मध्य राजनीति किया जाए, भारत पर शासन किया जाए, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रवाद की जो लहर उभर रही थी बंगाल में उसको भी दबाया जाए, उसको भी समाप्त किया जाए। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एक निष्क्रिय प्रतिरोध का ही भाग है, और स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया गया, जिसमें अपने स्कूलों और कॉलेजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, विश्वविद्यालयों को खोला गया जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हो, और साथ ही साथ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और इसके जस्ट विपरीत स्वदेशी चीज़ों को तो अपनाया गया जिसमें कि भारतीय वस्तुएं हुआ करती थी, जैसे सूती रेशम की जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हुआ करती थी जो भारतीय द्वारा बनाई जाती थी, और उसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स की जो वस्तुएं हुआ करती थी उनका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, जिसमें कि हम लोग देखते हैं किस प्रकार से महिलाओं का, विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर योगदान रहा, और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स की जो वस्तुएं हुआ करती थी, चाहे उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की शराब की दुकानें खोली जाती थी, विभिन्न दुकान खोली जाती थी विभिन्न वस्तुओं की, उनके आगे धरना प्रदर्शन देने का कार्य यहाँ पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी ली, भाग लिया, और उसके साथ ही साथ ब्रिटिश जो वस्तुएं हुआ करती थी उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, उसकी होलिका जलाई गई, और इसके साथ ही साथ हड़ताल और धरना प्रदर्शन हम लोग ने देखा। और इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर जो थे भारत में जो शासन कर रहे थे वो एक रूल ऑफ लॉ को पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किस प्रकार से भारतीयों के साथ जिस प्रकार से
एक कानून के अंतर्गत व्यवहार करना चाहिए वह वैसा नहीं किया जा रहा था, बल्कि अत्याचार और एक भेदभाव और नस्ल के लिए भेदभाव कि तुम काले हो, तुम असभ्य हो, हम जो आए हैं तुम्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार का जो ये अन्यायपूर्ण तरीके का जो एक रवैया था, जो कानून था, हम लोग जानते हैं किस प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आएगा और रोलेट एक्ट भी हम लोग देखेंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के जो ये नियम कानून थे जो कि सही नहीं थे और जो भारतीयों के साथ एक अत्याचार और दुर्व्यवहार और असमानता के समान जो व्यवहार कर रहे थे ब्रिटिशर्स को एक तरफ और भारतीयों के मध्य एक तरफ का भेदभाव उत्पन्न कर रहे थे, उन सबके खिलाफ ये क्या था, एक निष्क्रिय प्रतिरोध था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को, वो है हमारा सीमित प्रभाव। और सीमित प्रभाव की यदि हम लोग बात करें तो उदारवादियों में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो उदारवादी का जो संगठन था, जो उसमें लोग थे वो काफी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, मध्यम वर्ग हुआ करते थे, जो शिक्षित वर्ग हुआ करते थे। और हम लोग जानते हैं कि इसमें अत्यधिक जो हुआ करते थे वो पत्रकार, शिक्षित वर्ग से बुद्धिजीवी जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति, कुछ वकील। तो ये ज्यादातर जो ये ग्रुप था वो एक सीमित ग्रुप था क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। और उदारवादियों का मानना भी यह था कि जो भारतीय जनता है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको क्यों आंदोलन में शामिल किया जाए, चाहे अपने साथ उग्रवादियों के ग्रुप में शामिल किया जाए। और यही कारण रहा कि इनका हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो स्वदेशी आंदोलन था, हम लोग पाते हैं कि वह जो बंगाल विभाजन के विपरीत जो हुआ उसके खिलाफ जो हुआ उसमें इनका जो प्रमुख प्रयास रहा कि जो भी ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा है उसको स्वदेशी आंदोलन को सीमित स्तर तक रखा जाए, अर्थात बंगाली तक उसको सीमित रखा जाए, उसको अन्य क्षेत्रों में ना फैलाया जाए, बल्कि इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया, मदिरा का बहिष्कार किया गया, जो ब्रिटिशर्स द्वारा उत्पादित की जा रही थी, लाई जा रही थी, उन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। लेकिन इनका जो एक प्रमुख प्रयास था कि इसको केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, लेकिन जस्ट इसके विपरीत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो उग्रवादी थे उनका व्यापक प्रभाव रहा। व्यापक प्रभाव इसीलिए रहा क्योंकि इनका प्रमुख योगदान भी इसीलिए रहा क्योंकि इन्होंने, हम लोग जानते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो नेता रहे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, बिपिन चंद्र पाल हो, इसे विभिन्न जो ये नेता रहे थे, इन्होंने जो ये आंदोलन था एक प्रकार का, उग्रवादियों ने क्या किया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन को ले जाने का कार्य किया। और हम लोग पाते हैं कि चाहे वो तिलक हो, चाहे दक्षिण भारत की बात हो, चाहे उत्तर भारत की बात हो, तो विभिन्न क्षेत्रों में ये जो विभिन्न नेता थे इन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में गए, विभिन्न लोगों से जुड़े। और हम लोग खास तौर से देखते हैं कि तिलक ने किस प्रकार से शिवाजी महोत्सव हो, विभिन्न प्रकार के धार्मिक महोत्सव हो, गणेश महोत्सव हो, और विभिन्न प्रकार के हम लोग को इसके अंतर्गत नाटक भी देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारतीय जो जनमानस था उनके अंदर एक जागरूकता पैदा की जा रही थी। और इसके साथ ही साथ सभी के मध्य एकजुटता करने का प्रयत्न इसके माध्यम से किया जा रहा था। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से उदारवादियों के जस्ट विपरीत जो उग्रवादी थे उनका जो आंदोलन रहा, उनका जो प्रभाव रहा, वो भारत में सीमित नहीं था, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये इसका प्रभाव रहा, विभिन्न लोगों को जोड़ने का इन्होंने कार्य किया और कहीं ना कहीं प्रभावित किया। और जो स्वदेशी आंदोलन था उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उदारवादी तो चाहते थे बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन इन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हम लोग पाते हैं कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, उग्रवादी नेताओं द्वारा हुआ। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि 1907 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, सॉरी जो विभाजन जो हुआ उग्रवादी और उदारवादी जो ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं, कांग्रेस की जो दो दो धड़ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं यह एक मतभेद का बिंदु रहा था कि स्वदेशी आंदोलन जो ये चाहते थे उदारवादी वो केवल बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन वहीं पर उग्रवादी चाहते थे कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जाए। और इसके साथ ही साथ दूसरा मतभेद का और विभाजन का प्रमुख कारण यह भी रहा था कि यह चाहते थे कि जो उन जो जो अगला जो अधिवेशन हो, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से रास बिहारी घोष एक तरफ थे तो दूसरी तरफ तिलक को एक तरफ
उग्रवादी चाहते थे कि तिलक को नेता बनाया जाए जो भी अगला अधिवेशन होने वाला है, और एक तरफ चाहते थे कि राज बिहारी घोष को बनाया जाए। तो अध्यक्ष के पद को लेकर भी उनके मध्य मतभेद था, और हम लोग पाते हैं कि अंततः जो हुआ सूरत में इनका कांग्रेस का विभाजन हुआ और दो धड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।